कांग्रेस ने किया अपना मैनिफेस्टो जारी। 600 यूनिट तक बिजली फ्री। पानी बचाने पर मिलेगा कैशबैक। युवाओं को मिलेगा बेरोजगारी भत्ता। कहा बनेगी मेरी वाली दिल्ली। आप पार्टी ने क्या कहा है कि हम गारंटी कार्ड देंगे और बीजेपी का कहना है कि हम स्कूटी देंगे, तो ऐसा आप क्या कहना चाह रहे हैं युवाओं को या मतदाताओं को? देखिए, युवा ही तो फ्यूचर है इस कंट्री का, और इसलिए हमने जो भी स्कीमें लाए युवाओं के लिए लाए, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता, इसलिए क्योंकि अगर बच्चों को खाने को नहीं होगा तो वो कहीं दूसरा रास्ता अपनाएंगे। आज देश का भविष्य भटक रहा है, उसको कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए हमने ये स्कीम चालू की है कि बच्चे भटके नहीं, हम उनकी रक्षा के लिए हैं। बच्चे पिट रहे हैं दिल्ली के अंदर, और एक पीट रहा है, एक चैन की बंसरी बजा रहे हैं, और इस आने वाले चुनाव में, इस चुनाव का में वो अपना बदला लेने जा रहे हैं। अगर वो जो सरकारें उनकी रक्षा नहीं कर सकती, उनको सत्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। हमारे साथ किरण वालिया जी हैं जो मैनिफेस्टो कमेटी में हैं, आइए उनसे जानते हैं इस मैनिफेस्टो में क्या, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या फ़र्क है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या फ़र्क है जो पब्लिक आपकी तरफ एक्ट हो? सारा ही फर्क है जी। सबसे पहले तो मैनिफेस्टो लागू करने वाले हैं, वो मैनिफेस्टो लागू नहीं करते। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रचार के लिए पंजाब से आए कांग्रेसी विधायक मंत्री, आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या कहना है, मैसेज देना चाहते हैं? देखो, मैं तो दिल्ली के जितने भी निवासी हैं इनको जो मैं कहना चाहता हूँ, सभी लोग इकट्ठा होके कांग्रेस पार्टी के हक में वोट दें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। अगर अपने देश को बचाना है, अगर अपनी दिल्ली को बचाना है, तो फिर राहुल गांधी की सरकार और प्रियंका गांधी की और सोनिया गांधी की सरकार लाना ही पड़ेगा, तभी अपना देश और सूबा बच सकता है। सर, आज घोषणा पत्र लागू हुआ है, तो इसकी कुछ खास विशेषताएं क्या हैं पंजाब में और यहाँ में, जो कांग्रेस वहाँ भी है और कांग्रेस यहाँ भी आना चाहती है क्योंकि वहाँ पहले इम्प्लीमेंट कर चुकी है, तो इसके लिए आप क्या, किस तरह से बताना चाहेंगे वहाँ में और यहाँ में? देखो, जो हमारा पंजाब में राज चल रहा है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो लोगों से वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। कांग्रेस पार्टी की ऐसी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो जो बात कहती है उसको पूरा करती है। तो जो दिल्ली के लोग हैं, इनको मेरी गुजारिश है, मेरी बेनती है, मेरी प्रार्थना है, ये भी लोग जो आज मैनिफेस्टो हमारा दिल्ली का बना है, बिल्कुल सरकार बनने के बाद ये लागू होगा और लोगों को फायदा होगा। मेरी बार बार यही प्रार्थना है, कांग्रेस पार्टी लाएं और देश और सूबे को बचाएं। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इसकी तैयारी के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी टीम, जो जिस स्टेट में कांग्रेस के सरकार है वहाँ से लोग आए हैं, मिनिस्टर्स आए हैं और मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दें, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि जो वादे करती है पूरे करती है, गुमराह नहीं करती, क्योंकि अदर स्टेट में कांग्रेस आई है, उसने अपने जो वादे किए थे वो पूरे किए। कैमरा मैन इशाद अली के साथ सलीम अहमद देखिए।